प्रतिष्ठिता मनो मे फाचि प्रतिष्ठितम् चरण आपके ग्रंथ में होगा। अखंडम झंझना क्यों है ना? अखंडम सच्चिदानंदम गोचरम आ
मिथिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति अखंडं सच्चिदानंदं मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति सारं वक्षे यथामति एक वर्ष के आसपास आप लोगों को वेदांत पढ़ते हुए हो गया है ना, एक वर्ष। इसलिए बहुत पृष्ठभूमि बताने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती, फिर भी वेदांत विद्या का महत्व हमारे चित्त में स्थिर हो, जागृत रहे, इसके लिए थोड़ा कुछ स्मरण कर लेना चाहिए। जीवन में हम जितना कुछ व्यवहार करते हैं, आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को, सुनाई दे रहा है? नहीं? हाँ, झनझनाता है, पहले चेक रखना चाहिए, चेक करके रखना चाहिए। एनीवे, जीवन में जितना हम कुछ व्यवहार करते हैं, उस सारे व्यवहार का दो ही परिणाम हमारे जीवन में आता है, या तो सुख होता है या तो दुख होता है। और जिस व्यवहार का कोई परिणाम न निकले, या जगत की जिस चीज से न सुख हो न दुख हो, वह चीज हमारे लिए किसी प्रकार के मूल्य की नहीं होती। मैंने देखो, जो चीज सुखदाई है वो मूल्यवान है, और जो चीज दुखदाई है वो भी मूल्यवान है। उसको लोग बोलते हैं न्यूसेंस वैल्यू। वैल्यू तो है, क्यों है कि
क्योंकि वो दुख दे सकती है, इसलिए वो वैल्यूएबल बन गई। लेकिन मानो कोई चीज नहीं तो सुख देती है और नहीं तो दुख देती है, तो वो वैल्यूलेस है। हमारे जीवन में जहां तक मेरा संबंध है, मेरे लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। तो समूचे व्यवहार का अंतिम निचोड़, अंतिम परिणाम बस इतना ही है, या तो सुखद है या तो वो दुखद है। जो सुख है वो हमारा अभीष्ट है, उसे हम चाहते हैं, और जो दुख है वो हमारा अनिष्ट है, हम उसको नहीं चाहते। ये हमारी ओर से सुख दुख के प्रति प्रतिक्रिया है। सुख अभीष्ट है और दुख अनिष्ट है। अब स्थिति क्या बनती है कि जीवन में हम अनिष्ट को नहीं चाहते, किसी भी तरीके से नहीं चाहते। अनिष्ट का अर्थ ही होता है जो हमारा इष्ट नहीं है, हम उसको दूर रखना ही चाहते हैं हर कीमत पर। लेकिन जीवन में दुख आता ही आता है, और मनुष्य का अर्थ है, मनुष्य की चाहत है, मनुष्य की इच्छा है कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कभी दुख न आवे। तो दुख निवृत्ति क्या हो गई, पुरुषार्थ बनी। पुरुषार्थ माने परिश्रम नहीं होता, पुरुषार्थ माने तो पुरुष ही अर्थ्यते, पुरुषों के द्वारा जो चीज चाही जाती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ। पुरुषों के द्वारा जो चीज चाही जाती है उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। तो दुख निवृत्ति प्रत्येक प्राणी का परम पुरुषार्थ है, बना कि नहीं, ये उसका पहला लक्ष्य है। और यह लक्ष्य उसने कोई सोच समझ करके ग्रहण किया है ऐसा नहीं है, यह लक्ष्य नैसर्गिक है। उपदेश के बाद यह सिद्ध नहीं होता, विचार के बाद ये सिद्ध नहीं होता। तो ये तो बचपन से अबोध शिशु भी इसी पुरुषार्थ के लिए रोता है, इसी पुरुषार्थ के लिए वो पालने में हाथ पांव मारता है, नहीं क्या? जब उसको मच्छर काट गया, अब दुख हुआ, रोया, वो क्या चाहता है, दुख निवृत्ति चाहता है। तो यह जो उसका पुरुषार्थ है यह स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं है। आप समझते हो, कोई विज्ञापन देख देख करके उसको ये पुरुषार्थ नहीं मिला है। तो पहले 50 साल पहले टीवी नहीं थी, तो लोगों के मन में टीवी की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन आई तो चूंकि उसको एडवर्टाइज किया गया और इसलिए वो हमारे इच्छा का विषय बन गई, ठीक है। लेकिन दुख निवृत्ति एक स्वाभाविक लक्ष्य है, नैसर्गिक लक्ष्य है, स्वतः प्राप्त पुरुषार्थ है। और सुख चाहना, सुख की इच्छा, यह भी उपदेश का परिणाम नहीं है, विचार का परिणाम नहीं है, जन्मतः है ना, नैसर्गिक रूप से जन्म से ही यह लक्ष्य हमको प्राप्त है। तो मनुष्य का पुरुषार्थ क्या होता है, ऐसा अगर प्रश्न आता है तो बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हो, है ना,
लेकिन असल में पुरुषार्थ दो ही है, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। अब इस दो पुरुषार्थों के पीछे दौड़ते हुए मनुष्य बहुत सारे लक्ष्य बना लेता है और सारे मनुष्य की सारी इच्छाओं को आचार्यों ने चार भागों में बांट दिया, आप जानते हैं उसको। उन्होंने कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मनुष्य के चार पुरुषार्थ हैं। असल में ये चारों साधन ही है। पुरुषार्थ तो धर्म भी नहीं है, काम भी नहीं है, अर्थ भी नहीं है। पुरुषार्थ तो सीधा से अर्थ, जिस चीज को हम चाहते हैं। धर्म साधन हो सकता है, धर्म हमारा अभीष्ट नहीं होता। अर्थ हमारा साधन हो सकता है, अर्थ हमारा अभीष्ट नहीं है। देखो पुरुषार्थ तो केवल दो है, और केवल दो है, और इस दो को तीन में नहीं बदला जा सकता। अगली कक्षा में नहीं होना चाहिए, क्या हो गया? हाँ तो पहले देखना चाहिए। सुख और दुख, बस ये पुरुषार्थ है, और इसके अलावा कोई 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 पुरुषार्थ नहीं हो सकता। इसमें भी जो दुख निवृत्ति है वो तीव्र पुरुषार्थ है। यू नो, दुख न हो तो व्यक्ति के चित्त में एक सामान्य सुख, सामान्य में बोलता हूं, सामान्य सुख तो है, कम से कम वह व्यथित नहीं है, पीड़ित नहीं है। इस दुख निवृत्ति का उपाय क्या है, इस पर मनुष्य जाति ने बहुत सोचा और पीढ़ी दर पीढ़ी सोचा। देश के लोगों ने भी सोचा, विदेश के लोगों ने भी सोचा। तरीका यह है उसका सोचने का कि आप दुख का भोग करते हो, दुख परिणाम है, कारण क्या है इसका, दुख का कारण क्या है। कारण मालूम हो तो निवारण किया जाए। कार्य की निवृत्ति नहीं होती, यदि कारण बना हुआ है तो आप कार्य की निवृत्ति नहीं कर सकते। अगर बुखार के कीटाणु शरीर में हैं और आप कहो कि बस इसको किसी तरह से शरीर ठंडा रहे, वो नहीं हो सकता। खांसी का कारण अगर भीतर विद्यमान है तो खांसी आवेगी। कारण अगर भीतर बैठा हुआ है तो कार्य तो अपनी जगह पर बना ही रहेगा, हैं? कारण क्या है, दुख का कारण क्या है? प्रत्यक्षतः तो ऐसा समझ में आता है कि जो हमारे सामने एक परिस्थिति है, अगर वो हमारे रुचि के संस्कार के अनुकूल नहीं है तो वही दुख का कारण है। बस बड़ी सीधी सपाट सी बात है। एक परिस्थिति है, और शायद मैंने कभी कहा होगा परिस्थिति में चार चीजें आती हैं, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति। इन्हीं चारों चीजों से हम घिरे रहते हैं। परिस्थिति माने क्या, परितः स्थिति, हमारे आसपास जो स्थिति है, जिन चीजों से मैं घिरा हुआ हूं तो उसको बोलते हैं परिस्थिति। तो एक देश जो है हमको सूट नहीं करता, है ना। काल के प्रवाह में कोई कोई कालखंड ऐसा आता है जो हमारे लिए प्रतिकूल होता है। बोलते हैं कि आजकल समय प्रतिकूल चल रहा है। हाँ, वो फेजेस आते हैं, सबके जीवन में आते हैं। ऐसा कुछ बनाया हुआ है, ऐसा प्रारब्ध का विभाजन ऐसा दिखता है कि कोई कालखंड अनुकूल होगा,
कोई कालखंड प्रतिकूल होगा, वो होता ही है। तो एक तो हुआ देश, एक हुआ काल, और तीसरी चीज है वस्तुएं जिनके साथ हमको रहना है। हमारा वस्त्र, तो हमारा कमरा, तो यहां तक कि एक छोटी सी चीज हमारी तकिया अगर अनुकूल ना हो तो बस नींद नहीं आएगी। उसकी थोड़ी सी मोटाई कम ज्यादा, बस उतने से काम गड़बड़ हो जाता है। अब देखो ये माइक एक वस्तु है, आवाज तो दे रहा है लेकिन आवाज के साथ साथ कुछ अपनी आवाज भी निकालता है, केवल मेरी आवाज नहीं है। तो इसलिए अब ये वस्तु है जड़ वस्तु, लेकिन फिर सुख दुख का कारण तो बनती है। तो जिन वस्तुओं के साथ हम रहते हैं, है ना, वो वस्तुएं भी कहीं कहीं हमारे दुख का सुख का कारण बनती हैं। और चौथी चीज है वो है, यहां भी सेल लेके कोई आए क्या? सेल को घर में रखना चाहिए। ये जिज्ञासा में ये टेक्नोलॉजी तो अच्छी है क्योंकि वो तो ऑफ किया जा सकता है, लेकिन थैंक गॉड हमारे ब्रह्मचारी लोगों के पास नहीं, नहीं तो पता चला कि ये वस्तु है देखो, उसने प्रभावित किया ना, प्रत्यक्ष है देखो, देश काल वस्तु और व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के साथ हमको व्यवहार करना है वो व्यक्ति अगर प्रतिकूल हैं, हमारी रुचि के अनुसार नहीं है, हमारे संस्कार के अनुसार नहीं है, तो सबसे ज्यादा दुखी कर सकते हैं वो, माने वस्तु से ज्यादा व्यक्ति दुखी कर सकता है। देश काल वस्तु ये तीनों गौण हो जाएंगे, प्रधान कौन बनेगा? बोले व्यक्ति। जिन प्राणियों के साथ हमको रहना है, तो युधिष्ठिर जंगल में रहते थे फिर भी इतना दुख नहीं था क्योंकि जिन लोगों के साथ रहते थे वो तो उनके अपने थे, है ना। तो ये प्रत्यक्ष है, दुख का जो प्रत्यक्ष कारण है वो है परिस्थिति, और सुख का भी जो प्रत्यक्ष कारण दिखाई देता है वो है परिस्थिति। और इतना समझने के लिए हमको बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि प्रायः इतना सभी लोग समझते हैं। इसको बोलते हैं परिस्थितिवाद। क्या है ये? परिस्थितिवाद है। अगर हम इसी मत में, इतने ही चिंतन में अगर स्थिर हो जाएं, तो हमारी अप्रोच क्या होगी जीवन में, हम करेंगे क्या? तो बोले कि हम परिस्थिति को अनुकूल बनाने की चेष्टा करेंगे। मनुष्य का कुल ले दे करके इतना ही पुरुषार्थ होगा कि वो परिस्थिति को किसी भी तरह से क्या करे, बोले अनुकूल बनावे। तो उस व्यक्ति को छोड़े तो इस व्यक्ति को पकड़े। जीवन में विग्रह और संधि, ये दो बना रहेगा। भज गोविंदम में वो आता है, मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ, है ना। बोले तुम्हारे सारे पुरुषार्थ का एक ही क्षेत्र बन गया है क्या? मेकिंग एंड ब्रेकिंग, दैट्स ऑल। व्हाट आर यू डूइंग? बोले यही दो काम करता हूं। किसी के साथ जोड़ता हूं, किसी के साथ तोड़ता हूं। बना कि नहीं?
पुरुषार्थ का क्षेत्र क्या है, प्रयत्न का क्षेत्र क्या है, हमारा सारा परिश्रम कहां लग रहा है। बोले इस दो जगह में, एक व्यक्ति बदलना, दूसरे व्यक्ति को ग्रहण करना, एक व्यक्ति एक वस्तु को छोड़ना, बेच देना, दूसरी वस्तु को खरीद के ले आना, क्योंकि वो तो वो वस्तु है जो अनुकूल है, वही वस्तु है जो प्रतिकूल हो गई, तो बेचा फिर उसको। प्रयत्न का पूरा क्षेत्र क्या है, यही है। और अगर देश रुचिकर नहीं हुआ, अनुकूल नहीं रहा, तो लोग फिर जगह भी बदलते ही हैं। बोले ये जगह तो हमको सूट नहीं करती, यहां का अन्न जल, यहां का वातावरण हमको सूट नहीं करता, चलो। जगह बदलते हैं, घर बदलते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, इसको आप मना नहीं करना कि ये कोई गलत बात नहीं है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है मनुष्य की। और काल को तो आप बदल नहीं सकते, काल बदलने की प्रतीक्षा कर सकते हो। वो तो आप बदल नहीं सकते, हालांकि ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिषी लोग ये जरूर कहते हैं कि जो प्रतिकूल काल है उसकी प्रतिकूलता को थोड़ा रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। कुछ टोटके होते हैं उनके अंगूठी में, कोई स्टोन बदल देते हैं तो फर्क पड़ता है। हाँ, इस पर कभी देखो, आखिर वो भी वेदांग है, इसलिए तो उसका निषेध मत करना, उसमें प्रभाव है अपनी जगह पर, जो है सो है। लेकिन हमारा प्रयत्न का क्षेत्र यही हो जाता है, यही काम करेंगे हम। तो परिस्थितिवादी का प्रयत्न क्या, उसका प्रयत्न का क्षेत्र क्या है? बोले एक ही क्षेत्र है, निरंतर अपने परिश्रम से परिस्थिति को अनुकूल बनाने की चेष्टा करना। परिस्थिति का अनुकूलन करना, यही हमारा पुरुषार्थ हो गया, बन गया, हो गया ना, बना कि नहीं? अच्छा, अब परिस्थिति का अनुकूलन बहुत बार धर्म पूर्वक नहीं होता। हमको ऐसा लगता है कि विहित तरीके से विधि पूर्वक ये काम नहीं हो रहा है, तो फिर हम उसको अधर्म पूर्वक छल से, कपट से, कुटिलता से, मैनिपुलेशन से, है ना, उस परिस्थिति को अनुकूल बनाते हैं। क्योंकि लक्ष्य क्या बन गया कि परिस्थिति अनुकूल होनी चाहिए। अब वह अनुकूल परिस्थिति कैसे बनेगी इसकी मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। धर्म से बनती है बहुत अच्छा है, धर्म से नहीं बनती है तो अधर्म से बनाएंगे। सही तरीके से अगर बन गई तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गलत तरीका दुनिया कर रही है, बोले हम भी करेंगे। और गलत तरीका भी सही तरीके की प्रतीक्षा के बाद गलत तरीका अपनाया, ऐसा सब लोग नहीं करते। उनको लगता है सही तरीके से हो तो जाएगा लेकिन समय बड़ा लगेगा, टाइम बड़ा लगता है। गलत तरीके से हो भी जाएगा और समय भी थोड़ा लगने वाला है, तो फिर क्यों न मैंने शॉर्टकट क्यों न चला जाए। ये इतना लंबा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारे घर में कार और फ्रिज और सब कुछ आवेगी, तो फिर भोगेंगे कब? बोले वो तो अभी होना चाहिए, एक दो साल के, तीन साल के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छा है।
और 6-7 दिन के अंदर हो जाए तो क्या कहना। अब तो जब हम अधीर होते हैं, बिल्कुल इम्पेशेंस, लोग बोलते हैं एम्बीसियस, अरे आप अधीर हो, एम्बीसियस किधर हो? ये तो शब्द जो हैं अपनी सुविधा के अनुसार हमने धारण कर लिया है, जो टोपी पहनने में अच्छी लगती है वो टोपी पहन ली है। अधीर हो गए, आतुर हो गए, कदाचित ये महसूस भी होता है कि सही तरीके से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लेकिन देर बहुत होगी, कौन इतना प्रतीक्षा करे। तो बस, तो इस परिस्थिति वाद का परिणाम होता है धर्म अधर्म मिश्रित जीवन, हुआ ना? ठीक है। और परिस्थिति वाद अगर बढ़ जाए, थोड़ा तीव्र हो जाए, तो धर्म की मात्रा कम होती जाती है जीवन में और अधर्म की मात्रा बढ़ती जाती है। बोले समाज में बड़ा करप्शन हो गया। करप्शन कोई आसमान से थोड़ा आता है, करप्शन दर्शन से आता है। दर्शन को कई बार बड़ा मिस्टीरियस समझते हैं लोग। कल थोड़ा थोड़ा किसी ने कहा, मैंने कहा अरे भाई, दर्शन के बिना तो अदर्शन है। दर्शन कोई ऐसी पेचीदा चीज थोड़ो है। दर्शन माने क्या? देखने का ढंग। हर व्यक्ति का एक दर्शन होता है, ध्यान रखना। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति एक तरीके से जीवन को देखता है, और जिस तरीके से वो जीवन को देखता है उसी तरीके से उसका सारा जीवन चलता है। कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं, व्यक्ति छोड़ो मैं प्राणी बोलता हूं। शंकराचार्य जी ने एक शब्द लिखा ब्रह्मसूत्र में कि ये परिस्थितिवादी तो पशु भी है। ऐसा कहा उन्होंने। तो बोले हरी हरी घास लिए आते हुए किसी को देखा तो पशु जो है उधर मुंह मार देता है ना? क्योंकि उसको ये विश्वास है कि यह हरी घास हमको क्या देगी, सुख देगी। और दंडपाणिं दृष्ट्वा, बोले दंडाधारी को देखा तो वो पहले ही रास्ता बदलता है। क्यों? तो विश्वास है कि यह लग जाएगा तो मुश्किल होगी। तो यह जो परिस्थितिवाद, यह जो दर्शन है, इसके लिए तो, इसमें तो पशु भी निष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है। देखो, अगर तो हमारा यह दर्शन है तो जीवन में भ्रष्ट आचरण होगा ही, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। पुलिस, बोले पुलिस स्वयं भ्रष्ट हो जाएगी। न्यायालय, नारायण, न्यायालय स्वयं भ्रष्ट हो गए। बोले विधायिका, जो लोग विधान बनाते हैं महाराज, वो शिरोमणि है, भ्रष्ट शिरोमणि है। विधायिका समझते हो ना आप? पार्लियामेंट को विधायिका बोलते हैं, असेंबली और पार्लियामेंट को, जहां विधान बनता है, जिस विधान के अनुसार हमारा राष्ट्र चलता है, उस विधान को बनाने वाले, अमेंडमेंट करने वाले इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं क्या? विधायिका। और उस विधान को एग्जीक्यूट करने वाले लोगों को बोलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका, जैसे प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट क्या है, इतना भी नहीं मालूम? प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट जो है वो कार्यपालिका है, और जो पार्लियामेंट है वो विधायिका। देखो, और न्यायपालिका, ये तीन हैं।
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीन है। न्यायपालिका क्या है? बोले विधान का, संविधान का ट्रस्टी है वो, दे आर द कस्टोडियन। विधान की व्याख्या करते हैं, अगर विधान की किसी ने गलत व्याख्या की तो वो केस बनेगा और न्यायपालिका बतावेगी कि नहीं, इस विधान का मतलब ये है, बना ना। वो पार्लियामेंट नहीं बता सकती, कौन बताएगा? न्यायपालिका। तो तीनों से आशा की जाती है कि वो समाज में आचरण को ठीक करें। वो स्वयं भ्रष्ट हो गए तो आखिर भ्रष्ट आचरण आता कहां से है? इस दर्शन से, क्या कि परिस्थिति ही हमारे सुख दुख का कारण है। बस बना, ठीक है। अब वह परिस्थिति बनानी है हमको, चाहे किसी कीमत पर बनाए, तो भ्रष्ट तो होना ही है। लेकिन जब देखा कि आखिर परिस्थिति स्वयं एक परिणाम है, परिस्थिति अंतिम कारण नहीं है, परिस्थिति स्वयं भी तो एक परिणाम है, नैमित्तिक है, निमित्त नहीं है, अकारण नहीं है, सकारण है। दुनिया का आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सभी मानते हैं कि परिस्थिति सकारण है। अगर वो सकारण नहीं होती तो हम बनाने की चेष्टा क्यों करते? नहीं, निद्रा नहीं होना चाहिए। परिस्थिति क्या बोला मैंने? सकारण है। सावधान, शत प्रतिशत जागृति चाहिए। इसी के लिए सारी अधिकार मीमांसा है, और किस लिए? कि श्रवण काल में चित्त में सूक्ष्मता हो, एकाग्रता हो, ग्राह्यता हो, ये पूरी होनी चाहिए। परिस्थिति स्वयं सकारण है ना, ये जीवन से जुड़ी बातें हैं। परिस्थिति आती है और जाती है, ठीक है। पता नहीं कितनी भागवत सप्ताह एक परिस्थिति थी, आई अब गई। वो तो क्षण क्षण परिस्थिति में प्रवाह है, अनवरत प्रवाह है।